अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल सदियाली पे आप सभी का स्वागत है। और हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सब बहुत ही ठीक होंगे, बहुत ही खुश होंगे अल्लाह की मर्ज़ी से। और आज ना फिर से आप लोग साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। जो रेसिपी है ना वो मटन का है। वीडियो चला जाता है, मेरे बात ख़त्म नहीं होता है। तो ना अब हम इस पर कुकर को बिठा के ना इस पर तेल डाल के ना इसको गर्म करके ना इस पे ऐड कर देंगे। जो तेज पत्ते देख रहे हैं ना उसका हम ऐड कर देंगे इस पे। तेज पत्ते ऐड करके ना, तेज पत्ते को ऐड करके ना उसको मतलब फ्राई करना नहीं है, वरना ये जल जाएगा और जल के ना एकदम साली हो जाएगा, मतलब तित्ता हो जाएगा, खा नहीं सकते। अब ना इस पे ऐड कर देंगे वो प्याज को। मैंने यहाँ बड़ा वाला ना चार प्याज रखा था, चार प्याज को कट करके ना इस पे ऐड कर दी है। और ना अब हम इस पे ऐड कर देंगे नमक को। यार नमक देने से क्या होता है पता है, मतलब जब आप ज़्यादा कुछ प्याज अगर फ्राई करना हो तो उस पे अगर नमक को ऐड करेंगे ना तो वो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, पक जाता है। तो जल्दी होगा तो आपका गैस भी जल्दी बच जाएगा, गैस भी बच जाएगा। मेरी अम्मा ने सिखाया है यार, मतलब बच जाता है। अब ना इस पे मैंने टमाटर को ऐड कर दी है, छोटा छोटा करके कट के रखा था। इसको ऐड करके ना अब हम इसको करेंगे फ्राई। हाँ फ्राई करेंगे। हाँ तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई जो है ना वो हो गया है, मतलब टमाटर बाद में भी फ्राई होगा, पहले पूरा 5 मिनट करना पड़ता है ताकि इसका जो हल्का जो स्मेल होता है ना वो जाए। इसलिए अब ना मैं इस पे मटन को ऐड कर दूंगी। खोशी का मंगशो जो है ना वो, मतलब मैंने यहाँ पे 1 किलोग्राम का खोशी मतलब मटन ली है। इसको ना हम घर पर खोशी मंगशो बोलते हैं, तो मेरे मुँह से निकल जाता है यार। अब ना हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, जो मटन है ना इसको ऐड करके हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। खोशी मटन का जो मीट है ना उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बकरा के गोश्त, भूल गई है। अब ना इस पे मैंने बड़ा वाला चम्मच, 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक को ऐड करके ना इस पे 2 चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर को ऐड कर दी है। 2.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड करूँगी और 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर को ऐड करके ना, और 1 चम्मच मैं इस पे ज़ीरा पाउडर को ऐड करके, ज़ीरा का जो स्मेल होता है ना वो बहुत फ्लेवर जो होता है ना बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स करके ना, 4-5 मिनट तक इसको हम ऐसे मतलब मिक्स करेंगे, भूनते रहेंगे। अब ना हम इस पे ऐड कर देंगे बड़ा वाला जो कप है ना उससे 1/2 कप मैंने इस यहाँ पे पानी को ऐड करके ना, अब ना इसको मैं 3 सीटी के लिए छोड़ दूँगी, ऐसे 3 सीटी के लिए छोड़ूँगी। तो 3 सीटी के बाद, हाँ तो दोस्तों मैं 3 सीटी के बाद मिल रही हूँ, मतलब 9 से 10 मिनट बाद मिल रही हूँ। अब देखिए तो ज़रा हमारा जो मतलब मटन का जो रेसिपी है ना बन के तैयार नहीं हुआ है, मतलब उसका कलर देखिए यार कितना, मतलब दिखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ना अब हम इसको, हाँ आपको दिखा रही हूँ, तो अब मैं इस पर ऐड कर दूंगी पोटैटोज़ को, आलू को ऐड करूंगी। आलू ना मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इस पर ऐड कर रही हूँ, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप ऐड मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरी अम्मा को ना आलू बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या दुश्मनी है पता नहीं। अब ना अब हाँ अब इसको हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। इसको मिक्स करके इस पे जो कप पहले जो 1/2 कप ऐड की थी ना पानी, वो कप से हम बड़ा वाला जो कप है ना उससे मैं 2 कप पानी इस पे ऐड करूँगी। 2 कप पानी को ऐड करके ना मैं फिर से चार सीटीज़ के लिए, पहले 3 दी थी ना अब 4 सीटीज़ के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी ताकि ये मतलब जो मटन है ना वो अच्छी तरह से पक जाए। और आलू जो है ना आलू पहले मत दीजिएगा, वरना ये मतलब एकदम क्या होता है सीढ़िया फरिया गुलिया एकदम डाल हो जाएगा, मतलब अब अच्छा नहीं लगता खाने में, टेस्टी नहीं होता है। तो ना अब मैं इसको 4 सीटी के लिए छोड़ देती हूँ और 4 सीटी के बाद मिल रही हूँ दोस्तों। तो नमस्कार नहीं तो दोस्तों मैं मिल रही हूँ 4 सीटी के बाद, और ये देखिए हमारा जो रेसिपी है ना वो एकदम तैयार हो गया है। और इसका कलर देखिए, लुक देखिए, और इतना अच्छा बना है ना। टमाटर देने से क्या होता है पता है, टमाटर देने से मतलब ग्रेवी जो है ना बहुत ही अच्छा बनता है ग्रेवी।
अब इस पर ऐड कर दूंगी गरम मसाला। गरम मसाले के बिना तो मांस अधूरा होता है। मांस मतलब मटन, मटन हम घर पे इसको मांस बोलते हैं तो मुँह से निकल जाता है यार, क्या करें, ऐसा हम इसमें बोलते हैं मांखो। अब ना मैं इसको विंडो के पास लेके आई हूँ, वहाँ मतलब थोड़ा अंधेरा था। अब देखिए इसका, अब इसका असली कलर देखिए तो इतना मतलब टेस्टी बनता है ना, मैं इसको खा के पी के मस्त होके इसको आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इस तरीके से एक बार बना के खाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो हाँ, इसको लेते हैं तो मैं बताती हूँ, मेरा जो पिछले वाला जो वीडियो है ना वो क्या है, राखी लो राख लौकी का मतलब कुमड़ा का, जो उस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, इसके लिए मतलब दिल से शुक्रिया आप लोगों के, आप लोगों को। मेरा वीडियो ख़त्म हो रहा है तो मतलब दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जो वीडियो है ना, ये भी आप लोगों को अच्छा लगे। यार आप लोगों की सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब खुश रहिए।